हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और जो मर्जर की खबर है उसको बताने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पीएसयूएस बैंक में तो अभी तो मार्केट गिर रही है और पीएसयूएस बैंक भी काफ़ी नीचे की तरफ है। अब गवर्नमेंट ने अपना अनाउंसमेंट किया है और ये 1 अप्रैल से लागू होगा पीएनबी का। जैसे कि आप जानते हैं कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का विलय पीएनबी में होगा और यूनियन बैंक में जो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का होगा और कैनरा बैंक में होगा सिंडिकेट बैंक का होगा फ्रेंड्स। और इंडियन बैंक में जो मर्जर होगा वो अलाहाबाद बैंक का होगा। तो ये 4 बैंक एक तरह से बड़े बैंक बनेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं उसमें बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक काफ़ी नीचे की तरफ हैं आने वाले पीएसयूज के जो स्टॉक्स हैं। तो अब ये मर्जर की खबर है। अगर आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 1 साल या 2 साल या 3 साल के लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी इन बैंकों में हिस्सेदारी है तो स्वैप रेशियो के हिसाब से पीएनबी का और यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक के शेयर्स आप लोगों को मिलेंगे। जिन बैंकों का मर्जर होना था पीएसयू बैंक का फ्रेंड्स, उसमें से स्वैप रेशियो बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पंजाब नेशनल बैंक है, लगभग 1150 शेयर्स ऑफ पीएनबी फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ ओबीसी, 21 शेयर्स ऑफ पीएनबी फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ यूनाइटेड बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में जो मर्जर हो रहा है ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का, तो ये स्वैप रेशियो है। और यूनियन बैंक का जो स्वैप रेशियो है फ्रेंड्स, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का, लगभग 325 शेयर्स ऑफ कॉरपोरेशन बैंक और 330 शेयर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ एवरी 1000 शेयर्स ऑफ 330 शेयर्स ऑफ यूनियन बैंक फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ आंध्रा बैंक। कैनरा बैंक का 158 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ सिंडिकेट बैंक। इंडियन बैंक का है 115 शेयर्स ऑफ इंडियन बैंक फॉर एवरी 1000 शेयर्स ऑफ अलाहाबाद बैंक। तो ये स्वैप रेशियो है और पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये 4 बड़े बैंक बनेंगे फ्रेंड्स। और भी एक बड़ा बैंक बनेगा बट घोटाले और जो स्टॉक प्राइस है उसके वजह से काफ़ी नीचे की तरफ है। और इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी कमजोरी है। अब जिनके पास ये शेयर्स हैं फ्रेंड्स, वो उनको काफ़ी समय देना पड़ सकता है। और जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हो चुका है तो वो शेयर भी काफ़ी नीचे की तरफ है जिन्होंने अभी ले रखा है। और वो लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 1 साल का समय देंगे तभी इन शेयरों में प्रॉफिट रहेगा। और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो फ्रेंड्स ये शेयर्स भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उसमें से कैनरा बैंक का जो शेयर्स है सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके बाद इंडियन बैंक और पीएनबी तो है ही है। बट ये है कि पीएनबी में जो घोटाला है उसके वजह से इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये स्वैप रेशियो और मर्जर की खबर थी और ये 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टेड होगा।